घरे जाके सोहेला साहब का पाठ कर लियो, कीर्तन सोहेला है ना 9 बैस। ये गल्ला दा हुण तुहानू नहीं पता मैनू सोहला क्यों कहण लग पे। ये जद गुरु अर्जन देव जी वेले सोहला साहब का पाठ करते होंगे तो महाराज कहते एक दिन, कहते भाई जेडे कीर्तन सोहले के शब्द ने यह गायन करया करो, सोहला गा के पढ़िया करो। पांच ही शब्द ने एक चौंकी बन जाती पूरी, 20-20 मिनट के शब्द हो गए पांच, बस 10-10 मिनट च पढ़ दो। तुसी भी रात को कीर्तन सोहला गा के पढ़िया करो। चार शब्द गुरु अर्जन देव जी ने कहे सी अपनिया पोथियां जो लिखे हुए, सोठ महला पंजवा, गुर का शब्द रखवारे है ताती बाव न लगे ही, सलोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत, सलोक महला पंजवा, मन में चितवो चितवनी उद्यम करोड़ नीत। चार शब्द ते पांच शब्द सोहले दे दसवीं अरदास करनी है। जेड़े मेरे वीर मेरे बजुर्ग मातावान अभ्यासी बैठे तो जे चंगे बिरतियां लावण सवाधी लावण, यह जे महापुरख सानू थोड़े अर्गे गुरमुख जब मिलते ने बैठ के, जब सलाह होंदियां विचार चल दियां हैं, सलाह चल पियां। एक बारी मैं कहा किसी बंदे दे उत्ते गलत जा पहरा होया वे उहदा की करिए। वह अभ्यासी सिंह सी बहुत तकड़े, कहने सोहला साहब नाल शहीदां दा पहरा हुंदा रात नूं। मैं क्या हुंदा, कहते वह नॉर्मल बंदे लई एक सोहले साहब का पाठ ठीक है, जिन्हां ते माड़े पहरे चलते ने वह पांच सोहला साहब रात नूं करके सौवे, कह रहे उहदे ते दिने भी पहरा रहूगा। फिर जद असीं कहा भी शहीद सिंघां दा पहरा किवें, कहिंदे जिहड़ा गल समझो सोठ महला पंजवा, कहते एक गल देखो गुर का शब्द रखवारे यही पहरा। हुण ये चारे शब्द सब ने छड़ते छड़ी जाते ने, गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिरद हमारे। कहते साडे पिंड हुण बालियां घटनावां होण लग गईआं, चौंकी बिठाती सरकार ने ते चौकी चौगिरद हमारे भी होगी फौजां दी, चौंकी बह गई हुण अपने कोले, होर भी बड़ियां चौंकियां पढ़दे लोक। गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिरद हमारे, वह किवें होई जी? कहिंदे राम नाम मन लगदा, जदों सारे आसरे मुक जांदे ने फिर आके गुरद्वारे बह जांदे, फिर पुछदे हन हाँ हुण दस। वह दम गजे मारदा सी उदों, कहिंदा वा न्याणिआं ने कढ़ता घरों, कोई पुछदा ही नहीं घरे, कोई रोटी नहीं दिंदा, इत्थे लंगर छक लैंदे आ। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे तैनूं पहलां समझाया सी वी इत्थे है कुछ नहीं, इह जां न्याणे निक्के छड़ जांदे ने। एक पटियाले बजुर्ग मेरे को आउंदा हुंदा, मैं बच्चे, कहिंदा बच्चे बाहर है, घर वाली वह चढ़ाई कर गई, मैं तू, कहिंदा मैं कल्ला ही है, रिटायर है, बस पेंशन आउंदी है, कम वाला एक रख्या होया कम करी जांदा। मैं कहा किवें जिंदगी लगी? कहिंदा जी करदा हुणे मर जाईए। पहला लगता सी भी जिंदगी बड़ी वधिया ऐ रंगीन लगती है, रंगीन पग्गां बंधा उदों, नवें नवें रंग दियां पग्गां, नवें रंग दियां चीजां, आ रंग आओ रंग, बुढ़ा हो के चिट्टी पग बनन लग जांदा। कहिंदा हुण ख्वाहिशां खत्म हो गईआं, चल बई मैनू किहने देखणा, मेरी पग तां टेढ़ी मेढ़ी कोई ठीक आ, लड़ लमकदा ही ठीक आ। तुहानूं कहा सी भी इह आत्मा परमात्मा नूं जोड़ लो, आत्मा परात्मा एको करै अंतर की दुविधा अंतर मरै। तैनूं जिस काम लई भेजिआ सी उह काम नहीं कीता, जा को आए सोई बिहाज हो, हर गुर ते मनै बसेरा। महापुरख बाबा जी दा नाम पहला गुलाब सिंह सी, जिथे पटियाले गुरद्वारा मोती बाग साहब दास हैड ग्रंथी रहा, उत्थे मगरले पासे हवेली, वह जिथे बाबा जी ने दसवीं क्लास पढ़ी है। बाबा जी उस सरोवर के किनारे ते बह के 101 जपजी साहब करते होंगे, मोती महल के कोल दी सैर करनी,
सोहने वस्त्र सोहना चेहरा लोगों ने खड़ के देखना क्या नौजवान बड़ा ही सुंदर है। नौ तो गुलाब सिंह है ही है पर गुलाब वर्गा ही है सोहना बड़ा है। ये बाबे बदोशी वाले ने कहा भी एक गुलाब दे के जावे थोनू हूँ ना तो घरद्या पता लगे भी वह गुलाब दे के कहड़ा जाना आही गुलाब से महापुरखा की कृपा नाल महापुरखा है। इस करके साध संगत बिच बिच वो याद आते हैं जो महापुरख उन्होंने कमाइया आप कहने भी मैं नहाँ नू गर्म ठंडा पानी चाहिए ए सी चाहिए बहन नू मैं फिर उत्थे बह के माला फेरूंगा फिर ऐ होगा फिर ऐ होगा। संतां ने जो भगती शुरू की बाबा नंद सिंह जी कलेर वाला ने टोआ पट के बिच बह के उत्ते फटे ला लेने सेवादार नू कहना उत्ते घा पा दी जे कोई पूछूगा भी उरे बाबा जी ऐ कर दी वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु वह भी देख दो के मुड़ जा करो कहते गल्लां वाले नहीं फिर छड़दे। सत बाबा ईसर सिंह में टोआ पट्टिया होया सी बिचे बैठ के उत्ते फटे पा लेने किसी नूं की पता कई कई दिन प्रशादा ना सकना। फिर महाराज जी ने के सिंह नूं जा के आओ साडा सिख भुखा बैठा उत्ते रोटी दे के आओ उन्हूं सुपना आया फिर वह रोटी लेके आया उन्हें फटे चकते देख के कहने की होया कहते प्रशादा छक लो कहे तेनू किने कहा कह दसवें पातशाह सुपने से कह भी साडा सिख भुखा बैठा उन्होंने प्रशादा दे के आओ। इस करके महाराज सच्चे पातशाह के प्यारे प्रकाश अंदर करना शब्द प्रकाश है। मैं हुण करा कि मेरे कर्म च यह जे लिखे हुए ने इनाम दे रस्सी ही मिलते हैं और क्योंकि फिर वह मुड़के उ चीज बन जाती है पुछण वाले बहुत आते। अज एक कहता सी कहना चिट्टा प्रकाश दे जब अख बंद करना चिट्टा मैं हूँ किसी नूं की पता चिट्टा केड़ा होंदा पीला केड़ा होंदा नीला केड़ा होंदा हरा केड़ा होंदा बैंगनी केड़ा होंदा लाल प्रकाश केड़ा होंदा कदों आउंदा है किहड़े चक्कर च आउंदा है क्यों जे मोबाइल साह लैण देवे वट्सएप तां तां तुसीं उधर नूं सोचो यह जरूर है मोबाइल तो रंग निकलदे हुण तां और थोड़े दसम द्वार वाले रंग तो खत्म हो गए। मैं कह बहुत कृपा है हमने जब इधर तुरन लगे घरों न्यूजीलैंड तो एक सिंह का फोन आया मैं कह मैं हम कथा कर लगे एक गल पुछनी बस तुरे तुरे दस जा मैं कि कहता गल दे घुट्टा जी बहुत आ गए मैं कह मिठा कहने मिठा बा मैं हो गया शुरू हो गया कम संभाल ला मिठे इनू हूँ यह मिठास नाम की ही आ रही तेन मास्टर को जाके पुछो ना टीचर पुछो भी हम आ किवें करना साड़ी जिंदगी इसे काम लंघी है 43 दे 43 साल नहीं सारी जिंदगी 61 साल मेरे इसे लाइन च लंघ आओ जाणो क्योंकि नाना जी भी ब्रह्म ज्ञानी सीगे सानू पता ही नहीं लगे जब शरीर शुरू छड्ड गए मैं संतां कोल गया जद घरे आया जद गल्लां सुनियां हो घर ची सी सारा कुछ लाई नहीं सके। मैं अपने मामे नूं पुछया मैं नाना जी की आ एक इत्थे पोथी पढ़ देंदे सी उदों ना सी पता ये की पढ़ते हैं कहिंदा वो चक के लिया कहिंदा ये आ मैं कह तो पंज ग्रंथी कहिंदा हाँ सारी रोज पढ़ देंदे हुंदे सी पंज ग्रंथी रोज पढ़ते सी हौली हौली साधु संतां दी संगत होई उस पासे ये एवें नहीं हो जाती पिछला जन्म हुंदा पिछले जन्म जिहड़ा कोई रहा इस लाइन च उन्हों अगले जन्म च भी उही लाइन मिलती है। बाबा ईसर सिंह जी राड़े वाले कहिंदे भी जा रात नूं न्याणा किताब पढ़ता है पेपर देने हुंदे आ 10वीं 12वीं वाला चलो एम ए वाला भी किताब पढ़ता पढ़ता छाती ते रख के नींद आ गई जब जाग आई 2-3-4 बजे जिथों लैसन छड़िया से उत्थे ही फिर शुरू कर लेंदा भी रात इत्थे तक पढ़िया से कहने जदों एक जन्म दे विच जिथे अवस्था खड़ गई शरीर छड गया अगले जन्म विच उत्थों ही फिर चलती है। आ कई ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल दसदे आ कहिंदे पहले दिन ही प्रकाश हो गया ब्रह्म कवच कीता सी केसी नहा के देग बना के पहले दिन ही प्रकाश हो गया पहले दिन ही मैं पहले दिन नहीं हुई वो
पिछले जन्म विच जिथे गड्डी खड़ी सी उत्थों हुण स्टार्ट। संत बाबा आतर सिंह जी मस्तवाण वाले कोले दो सिंह कहिंदे महाराज एक गल दसो आ अवस्था की होई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। संत कहिंदे ऐ करो अखां बंद करो। कर लिया जी। कहिंदे हुण इह पंगतियां पढ़ो सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। खोलो जा खोलियां तां प्रकाश चारे पासे ब्रह्मंडां तक। कहिंदे महाराज इह की हो गया, असीं तां कोई कमाई भी नहीं कीती। कहिंदे पिछले जन्म विच इत्थे इक खड़ गए सी।